अपने आप को धार देने में व्यस्त हैं बहन कुमारी मायावती। जी हां, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के ऊपर पाबंदी के दौरान चुनावी रणनीति को अपने आप को धार देने में व्यस्त हैं। चुनाव प्रचार 48 घंटे में चुनाव आयोग के प्रतिबंध लगाने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने इस संक्षिप्त ब्रेक के उपयोग पार्टी नेताओं को प्रतिक्रिया जानने और चुनावी रणनीति को धार देने। मायावती एक के बाद एक बैठक कर रही हैं पार्टी नेताओं और संयोजकों से, चुनावों के बारे में फीडबैक ले रही हैं। उन्होंने चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर जमीनी हालात का भी जायजा लिया। बसपा नेता ने कहा कि इन दो दिनों में उन मुद्दों पर चर्चा हो सकी जो वेस्ट चुनाव में नहीं हो पाई थी, उन पे काम हो पाया जिन पे बात नहीं हो पा रही थी लोगों से। चुनाव रणनीति को धार देने के मकसद से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि 48 घंटे को समय सीमा समाप्त होने के बाद मायावती फिर से प्रचार में जुट जाएंगी। गुरुवार को वह बिहार में रहेंगी और शुक्रवार को मुलायम सिंह यादव के साथ निर्वाचन क्षेत्र मैनपुरी में रैली करेंगी। उन्होंने अपने सभी नेताओं से बात करी, उनसे फीडबैक ली और उनको आगे की रणनीति भी बताई और जनता के साथ अच्छा व्यवहार बनाने को भी कहा। और उनके सभी जमीनी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बहन कुमारी मायावती का जो इस वक्त का गठबंधन है वो बहुत मजबूत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।